एक तो सिमरन होंगे ना गुरमुख आपां करना पैंदा कई बारी तुहाडे नाल भी इदां वापरदा होगा आपां सोचदे आ कि गुरु का हुक्म है नितनेम करना गुरु का हुक्म है कोई किंतु नहीं है इस ते आपां करन वास्ते बैठ गए सिमरन करन वास्ते गुरु का हुक्म है गुरु सतगुरु का दो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे गुरु का हुक्म है क्यों नाम जपना क्यों नहीं जपना ये प्रश्न पैदा ही कितों होया जिमें बंजर जमीन दे विच घा फूस पैदा हो जाता ना गुरमुखो इदां दे प्रश्न बंजर हिरदिया विच पैदा होंदे ने कि बाणी क्यों पढ़नी है नाम क्यों जपना है जेड़े हिरदे की जमीन गुरु दे शब्द नाल गाई गई वाई गई सवारी गई उदे अंदरों इदां दे प्रश्नां दा कबाड़ खत्म हो गया वो कहंदे ने फरमान तेरा सिरे उपर फिर ना करत विचार तेरा हुक्म है दुनिया भावे को जाके असी अमृत वेले उठना असी नितनेम करना असी सिमरन करना सो दास बेनती कर रहा सी कई बारी तुसी नोट करोगे कि तुहाडा समा इदां दा होएगा तुसी बैठोगे कि मैं एक जां दो जपजी साहिब दी पाठ करके फिर उठ जाणा है पर गुरबाणी जदों तुहानूं फड़ लैंदी है क्योंकि गुरु का शब्द एक जिउंदी जागदी हस्ती है जे गुरबाणी नूं तुसी जफ्फी पाओगे तो गुरु भी तुहानूं जफ्फी पाएगा गलवक्कड़ी पाएगा ते जदों गुरबाणी जफ्फी पाउंदी है ना गुरु का शब्द जफ्फी पाउंदा है फिर दुनिया की कोई ताकत तुहानूं छुड़ा नहीं सकती गुरबाणी की कैद विचों उसे कैद का जिक्र आया मूह लालन स्यों प्रीत बनी तोरी ना टुटै छोरी ना छुटै ऐसी माधो खिंच तनी जदों उन्हें खिंच ली ना तनी अपने वाले पास्यों फिर नहीं छुटनी जेड़े जेड़े गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी बुकल दे कैदी बन गए वो मुड़ के छुटे नहीं सारी दुनिया उन्होंने छुड़ाउंदी रही पर वो नहीं छुट सके वो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे हो गए सुदास बेनती कर रहा सी गुरमुखो जदों सिमरन करदे आ बाणी पढ़दे आ आनंद पैदा हो जाता है ना अंदर रस पैदा हो जाता है एकाग्रता बन जाती है लिव लीन हो जाने आप ते सोच के बैठे होने भी अद्धा घंटा बैठांगे दो घंटे चार घंटे भी लंघ जाते उठन जी नहीं करता कईयां नाल इदां वापरदा होएगा ते ज्यों ज्यों ये अवस्था वधदी है ना महापुरखां दी संगत करन वालियां नूं पता हुंदा है वो कहंदे अज ते इदां लग्या कि मैं नितनेम आप नहीं कीता कोई होर करी जांदा सी मैं ते सिर्फ सुन रहा सी मैनू ते आवाज आ रही सी मैं आप नहीं सी जप रहा अब संत राग शुरू होया ना गुरमुखो कुछ दिन पहला दरबार साहब तों कीर्तन आप जी सुनदे हो उहदे च पंक्ति आउंदी ना कि जदों समाप्ति हुंदी है पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन विच देओ खड़ुआ जिहड़ा गुरसिख अपने विचों अपनी हौं नूं कढ के पाठ करदा है सिमरन करदा है फिर उहदे विच गुरु साहिब आप बैठ जांदे ने कहिंदे तूं सुण ते मैं तेरे तों जपाउणा फिर गुरु जपाउंदा है अपने चरण जपायन विच दयो खड़ुआ